हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गार्डनर दोस्त शिवम आपका वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। आज हम वीडियो की शुरुआत एक न्यू प्लांट के साथ करेंगे। इस प्लांट का नाम एस्पैरेगस है। ये फर्न में वैरायटी आती है, जैसे फॉक्सटेल फर्न आती है, उस वैसे ही एक उसमें एस्पैरेगस की फर्न है। और ये प्लांट काफ़ी दिखने में अच्छा है और काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो और वैसे भी इसको पॉट में लगा सकते हो। ये जो प्लांट है काफ़ी ग्रीन प्लांट है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। जैसे कि मॉनसून आया हुआ है तो बारिश के मौसम में काफ़ी इसकी अच्छे से ग्रोथ होती है और ये ट्यूबर्स भी अपने निकालता रहता है नीचे से, और इसकी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ होती है बारिश के मौसम में। और ये 12 महीने वाला प्लांट है। और जैसे इसकी केयर की बात कर ली जाए तो फ्रेंड्स, आप इसको सेमी शेडी एरिया में ही रखें, क्योंकि सेमी शेडी एरिया में अच्छे से ग्रोथ करता है और इसके जो लीफ है वो ग्रीन रहते हैं। और अगर आप इसको डायरेक्ट सन में रखोगे, इसकी सनलाइट लगने से इसकी जो लीफ है वो ब्राउन हो जाएंगे और सूख के ये प्लांट मर भी सकते हैं, इसलिए इसको सेमी शेड एरिया में ही रखें। आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी हरा भरा प्लांट है। मैंने इसको ट्रे में लगाया है, मैंने ट्रे खुद बनाई थी तो उसमें मैंने इसको लगा रखा है। आप इसमें 3 प्लांट लगे हैं एस्पैरेगस के। पहले मैंने इसको हैंगिंग पॉट में लगाया हुआ था पर मेरा हैंगिंग पॉट टूट गया था, इसलिए मैंने इसको इस ट्रे में शिफ्ट कर दिया। और साइड पे मैंने कुछ स्टोन्स वगैरह भी रखे हैं। और जो इसकी जो एस्पैरेगस फर्न की जो वैरायटी है, इसमें एक और भी वैरायटी आती है, उसमें जो शेप है वो अलग होती है और वो प्लांट भी इसके जैसे ही दिखता है, बट उसमें शेप सिर्फ अलग होती है, बाकी ये सेम ही है, एक ही वैरायटी के प्लांट है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इसमें ट्यूबर्स निकलते हैं नीचे से, आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें ट्यूबर्स है नीचे से। ये दिख रहे हैं, छोटे छोटे इसमें ट्यूबर्स होते हैं जो इसकी ग्रोथ करते हैं। तो जैसे कि ये जो निकल रही है स्टेम भी अलग से है, इसके नीचे ट्यूबर्स होते हैं और वो ग्रोथ करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी केयर बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इसको डेली बेसिस पर पानी डाल सकते हो और इसकी ग्रोथ रुकने का नाम ही नहीं लेती। सर्दियों में अपनी ग्रोथ करता रहता है और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा ये ग्रोथ करता है। और ये काफ़ी अच्छा दिखने का प्लांट है। और अगर इसकी प्लेस की बात कर ली जाए कि इसको कहाँ रखा जाता है, तो ये प्लांट ऐसी जगह, जैसे कि जो प्लांट बड़े प्लांट होते हैं उसके नीचे आप इसको लगा सकते हो। अगर जैसे आपने बड़ा प्लांट कोई गमले में लगा रखा है, बड़े गमले में, तो उसके नीचे जो ज़मीन में उसमें खाली जगह होती है उसमें आप इसको लगा सकते हो, जिससे कि हरा भरा लगता है जो प्लांट होता है। इसे इसको आप लगा सकते हो अपने प्लांट के अंदर ही शेड में लगा सकते हो, क्योंकि वैसे भी बड़े प्लांट के नीचे इसको शेड भी मिलती रहती है और ये हरा भरा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा प्लांट है दिखने में और इसकी केयर भी बहुत ईजी है। आप इसको खाद भी डाल सकते हो, गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट की खाद भी डाल सकते हो, ताकि इसको नाइट्रोजन मिलती रहे और ये हरा भरा रहे प्लांट। तो पानी की तो मैंने आपको बता ही दिया कि डेली बेस पे आप पानी डाल सकते हो। अगर ऐसी मिट्टी, जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि इसकी गीली मिट्टी है, क्योंकि बारिश वाला मौसम है इसलिए इसकी मिट्टी गीली है, और जब इसका जो सरफेस एरिया ड्राई हो जाए तब भी आप इसमें पानी डालिए, अदरवाइज इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। और काफ़ी हरा भरा प्लांट रहता है, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ये फैला हुआ है। ये जो प्लांट सारा एक ही प्लांट है, और साइड पे भी छोटा सा एक प्लांट मैंने लगाया था और उसने भी अपनी ग्रोथ कर ली है। मैंने इसी में से उस प्लांट को डिवाइड किया था और वो भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और ये जो प्लांट है ये भी अलग से प्लांट लगाया था मैंने, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा प्लांट है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, और मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। ओके, थैंक यू।